अगली खबर आ रही है सीहोर से, जहां नर्मदा घाटों पर छठ पूजा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। छठ पूजा की हजारों महिला पुरुषों ने पूजा अर्चना की है। अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। उसके अगले दिन सुबह यानी 31 अक्टूबर को उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए के दिन 28 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रचार प्रसार हो गया। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है 16 जो माताएं होती हैं उनमें छठ माता जो षष्ठी का रूप होता है, यहाँ पर आप सभी ने आकर पूजन की, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये छठ का पर्व मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, कितने दिन का ये पर्व होता है और कैसे करते हैं इस व्रत को? ये 3 दिन का होता है, और एक दिन नहाने का होता है, फिर एक दिन मीठा वाला खाना का होता है। आज पूरा कल सुबह का रखा होगा, और नर्मदा जी की घाट पर आके बहुत अच्छा लगा है। ये दूसरा साल में आए हैं कोरोना से, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है व्रत करके, अपना पूरा कर रहे हैं। महत्व क्या है इस व्रत का? बहुत बड़ी महत्व है। अब कोई अपना मन्नत मांगता है, कोई बच्चे के लिए मांगता है, कोई कुछ के लिए मांगता है, बहुत महत्व है छठ का। पूरी होती है मन्नत? हाँ, पूरी होती है। नर्मदा जी में खड़ा होता है, लोग पूरी करता है अपना। का ये कार्यक्रम है छठ महापर्व का, कैसे मनाते बताएंगे आप? भगवान का अर्घ देते हैं, फल बना, फल खस्ता पूरी सब कुछ बनता है। सूर्यनारायण जब डूबने हैं, डूबते हुए सूर्यनारायण कल होके जब सूर्य भगवान डूबते हैं, निकलते हैं, देख के अर्घ देते हैं। और छठ पर्व जो मनाते हैं, किस तरह का त्यौहार है, कितने दिनों का त्यौहार है, क्या मान्यता है इसकी? ये हम लोग की बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं छठ पूजा। यूपी का काफ़ी मानता है ये, बच्चों की मानता, और मतलब ये 3 दिन का रहता है। पहले खरना करते हैं, दूसरे दिन छठ पूजा बड़ी छठ होती है, और तीसरे दिन अर्घ सूर्य अर्घ ले करके फिर ये छठ सम्पन्न। आप कहाँ से हैं, और दूसरा ये जो महापर्व का पूजन है? बुधनी घाट आज छठ पूजा करने आई हूँ। आज सूर्य भगवान को शाम के फैन आएंगे, 4 बजे रख लेंगे। आज छठ पूजा है, सूर्य भगवान की मनाएंगे अच्छे से धूमधाम को। ठीक, ये पूजन काय के लिए की जाती है? बच्चे के लिए, बालक के लिए करने जाते हैं, बच्चे के लिए करने जाते हैं, खुशी से करने जाते हैं, अपने घर परिवार करने जाते हैं, सब अच्छे से। आज खुशी है, आज खुशी के त्यौहार है, आज मनाए जाते हैं दुनिया देश में छठ पूजा, आते हैं।